ताजा बातम्यांसाठी महान कार्यला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। पाटण पंढरपूर राज्य मार्गावर मळीचा टँकर पेटला, कळंत्रेवाडी हद्दीतील प्रकार, चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे पुढील दुर्घटना टळली। कळंत्रेवाडी तालुका करडगावच्या हद्दीत मळी वाहतूक करणाऱ्या टँकरने अचानक पेट घेतल्याची घटना दुपारी 2:30 सुमारास घडली। याबाबत सविस्तर माहितीनुसार अहमदनगरहून कुकडी कारखान्यातून जवळपास 40 टन मळी भरून आलेला टँकर जयगडच्या दिशेने चालला होता। ड्रायव्हरने नाश्ता करण्यासाठी ट्रॅक्टर थांबवला होता। दरम्यान ट्रकच्या केबिनने अचानकपणे पेट घेतल्याने चालकाच्या लक्षात आलं। त्यानंतर कराड नगर परिषदेच्या अग्निशामक दलाला पाचारण करण्यात आलं। जवळपास 1 तासाच्या अथक परिश्रमानंतर अग्निशामक दलाला आग विझवण्यात यश आलं। साधारणपणे 5 लाख रुपये नुकसान झाल्याचं प्राथमिक माहिती मिळाली आहे। या दुर्घटनेमुळे पाटण पंढरपूर राज्य मार्गावर काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती। ये दुर्घटना कैसी हो गई, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए हमको। मैं इधर खड़ा करके गया था पीछे वड़ा पाव खाने के लिए, तब तक उधर से देखा तो लोगों ने बोला ड्राइवर किधर है, ड्राइवर किधर है। मैं बोला इधर हूँ, क्या हुआ? तो बोलता है धुआं, इधर आग लग गया गाड़ी में। मैं जब तक आया तब तक पूरा आग लग गया था। बाद में आपने क्या किया? बाद में आया, पूरा कोशिश किया दरवाजा खोलने के लिए, अंदर से पूरा लॉक करके गया था मैं, दरवाजा दोनों साइड से खोलने लगा तब तक पूरा आग लग गया। बाद में आपने क्या किया? बाद में फायर वाले को, पुलिस वाले को फोन किया। हाँ, उसके बाद में फायर वाला आया, उसके बाद में हमारा गाड़ी अभी बच गई है। लगभग कितना नुकसान हो गया तकरीबन? नुकसान मतलब वो तो अंदाज में नहीं बता सकता हूँ कितना नुकसान हो गया वो। ठीक है, वो तो काम करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, गाड़ी कहाँ से आ गई थी और कहाँ निकल चल जा रहे थे आप? गाड़ी अहमदनगर से आ रही थी। और कहाँ जा रहे थे? इधर जा रहे थे, रत्नागिरी। सुदैवाने या दुर्घटनेमध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। महानकरे न्यूज साठी उमरजून रघुनाथ थोरात।